हेलो बच्चों, कल के वीडियो में मैंने क्या बताया था वर्ब के बारे में, और उसकी कुछ सेंटेंस आपको दिए थे जिसमें बताना था आपको कि वर्ब कौन सा है। वर्ब से ही संबंधित ये कुछ सेंटेंस और दिए हुए हैं स्क्रीन पे आपके, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और इसके बाद आप अगला पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, द एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हैं, उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइड एवरीथिंग एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एज ही राइट्स करेक्टली, तो यहाँ पर लिखना क्या है? वर्ब है, और उसको मॉडिफाई करने वाला, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? करेक्टली, ठीक। सी इज ए वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, गुड की विशेषता कौन बता रहा है? शब्द वेरी, ठीक है। तो ऊपर हमने पढ़ा है कि जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो प्रथम वाक्य में करेक्टली शब्द राइट, क्रिया राइट की, और वेरी शब्द एडजेक्टिव गुड की विशेषता बता रहे हैं, अतः करेक्टली और वेरी दोनों एडवर्ब हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। अर्थ के आधार पर एडवर्ब के कितने भेद होते हैं अभी हम जानेंगे इस अभी। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि काम कब हुआ, कार्य कब हुआ, अर्थात समय का बोध कराता है, और समय का बोध कराने के लिए कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं, जो शब्द हैं नाउ, देन, सून, अर्ली, लेट, ऑलवेज, नेवर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑफन, रेयरली, वीकली, सेल्डम। ये जो शब्द हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें इन शब्दों का प्रयोग करके दिखाया गया है। जैसे पहला है वी सेल नाउ बिगेन ए वर्क, ही कम्स हियर डेली, ही अराइव्ड लेट दैट डे, आई हर्ट माई नी यस्टरडे। तो इन शब्दों का प्रयोग जो है हम करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये दर्शाता है कि कार्य कितनी बार हुआ, और उसके लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली, जैसे शब्द जो है फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ठीक, मैं तुम्हें दो बार बता चुका हूँ। ही ऑफन कम्स हियर, ही सेल्डम स्माइल, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो इन शब्दों का प्रयोग हम काम कितनी बार हुआ ये दिखाने के लिए करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस कार्य के होने का स्थान दिखाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शाने वाले शब्द हैं हियर, डियर, एवरीवियर, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इन, आउट एक्सेट्रा। जैसे कम हियर, गो देयर, माई सिस्टर इज आउट, द डॉक्टर इज आउट, ही लुक्ड अप, ठीक। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर, यह कार्य को करने का ढंग दिखाता है कि काम हमने किस ढंग से किया, ठीक है। जैसे क्लियरली, ब्रेवली, नियरली, साउंडली, क्वाइटली, स्लोली, बैडली, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। द मैन वर्क हार्ड, आदमी ने काम किया कैसे? मुश्किल से किया, कठिनाई के साथ किया। तो काम कैसे किया गया? कठिनाई से किया गया, मतलब काम किस ढंग से किया जाएगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर शो करता है। ही स्लेप्ट साउंडली, यू आर वेल ड्रेस्ड, द चाइल्ड क्राइड लाउडली, ही रीड्स क्लियरली। तो मतलब काम करने का ढंग हम एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। अगला है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? मात्रा। यह दर्शाते हैं कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। कार्य की मात्रा को दर्शाने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं वो टू, एनी, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, एनफ, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, यू आर सो ग्लैड, मोहन इज एज टॉल एज राम, ही प्लीज्ड एनफ टू हेल्प यू। अगला काइंड है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ रीजन। काम के होने के कारण, कार्य किस कारण से हो रहा है तो वो दर्शाता है। जैसे देयरफॉर, वेयर इवर, वेयर फॉर, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली एक्सेट्रा। ही देयरफॉर लेफ्ट क्लास, सो आई एम अनेबल टू गो देयर, ही इज हेंस अनेबल टू अटेंड द क्लासेस। एडवर्ब ऑफ रीजन कार्य के होने के कारण को दर्शाते हैं।
इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जब एडवर्ब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। और प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट जो होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो वेयर इज ही, वह कहाँ है, वाई आर यू सो लेट, व्हेन डिड यू गो, वाई आर यू सो सैड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तो प्रश्न पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। आखिरी इसके बाद आठवां है रीजन, पर्पज, कॉन्सिक्वेंस। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, और कॉन्सिक्वेंस है परिणाम का भाव, ठीक है। तो यू वेयर अब्सेंट यस्टरडे सो यू मिस्ड लेक्चर, तुम कल अनुपस्थित थे इसलिए तुमने लेक्चर तुम्हारा मिस हो गया। तो इसमें क्या है, पहला जो है क्या कारण, मतलब अब्सेंट होने के कारण तुम्हारा लेक्चर मिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कारण सो हो रहा है, तो मतलब जब ये तीनों चीज़ें आती हैं, रीजन, पर्पज और कॉन्सिक्वेंस, तब हम एडवर्ब ऑफ जो है इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पज और आर कॉन्सिक्वेंस। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम इल हेंस आई कैनॉट अटेंड माई क्लासेस, द स्कूल वॉज क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ए फेस्टिवल। तो ये जो है एडवर्ब्स कारण, उद्देश्य या परिणाम का भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार के एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पज और कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब होता है दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले शब्द जब आप जहाँ पे यूज होते हैं, और उसमें जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, एक्सेट्रा। ये सब, इन शब्दों से हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और उन्हें रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। दिस इज़ द टाउन वेयर आई वॉज बॉर्न, यहाँ पर ये वही कस्बा है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो इन दिस इज़ द टाउन और आई वॉज बॉर्न को जोड़ने के लिए हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब वेयर का प्रयोग किया है। द डे पंडित नेहरू वॉज बॉर्न इन इज सेलिब्रेटेड एट चिल्ड्रंस डे, इसमें दो क्लॉज को जोड़ने के लिए व्हेन का प्रयोग हुआ है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड द रीजन ही लेफ्ट दिस हाउस, इसमें दो क्लॉज को जोड़ने के लिए वाई का प्रयोग हुआ है। तो इसे कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब उस पहला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से संबंधित एडवर्ब जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, सामान्यतः सहायक क्रिया के बाद अथवा मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है गोज, यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, गोज, उसके पहले हमने नेवर का प्रयोग किया है। सेकेंड में स्पीक मुख्य क्रिया है, उसके पहले हमने ऑलवेज का प्रयोग किया है, ठीक है। ऐसे ही हैव जो है के पहले यूजली का प्रयोग किया है, और इधर जो है इज, और पांचवे सेंटेंस में इज, चौथे पांचवे में इज है, ये दोनों सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया के बाद हमने जो है ऑफन और नेवर का प्रयोग किया है, मतलब इसका प्रयोग कब होता है, सहायक क्रिया के बाद या मुख्य क्रिया से पहले। इसी प्रकार आलमोस्ट, हार्डली, नियरली, जस्ट आदि एडवर्ब भी सहायक क्रिया के बाद या मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये है जस्ट कम हियर, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, ही क्वाइट एग्रीज विद मी, ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, ही हार्डली अराइव्ड हियर एट 10 o'clock, ठीक है। अब दूसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कब करते हैं, वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया से पहले करते हैं, और एडवर्ब ऑफ मैनर कब करते हैं, वर्ब के बाद। वर्ब के बाद जो सब प्रयोग करते हैं वो है वेल, फास्ट, हैवली, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, कामली, एक्सेट्रा। ही स्पीक हिंदी वेल, ठीक है, वर्ब के बाद जो है, इट इज़ रेनिंग हैवली, सी इज वॉकिंग स्लोली, ही वर्क्स केयरफुली, दे रन फास्ट, ठीक, इसमें हमने बाद में किया है वर्ब के बाद। ऐसे शब्द जो स्थानीय समय की सूचना देते हैं वे वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके बाद प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हियर, दियर, एवरीवेयर, नाउ, देन, एट, टुडे, नेक्स्ट डे आदि। ये मैंने बताया कि जो शब्द स्थानीय समय की सूचना देते हैं वे वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके बाद प्रयोग किए जाते हैं। और वो शब्द हैं हियर, दियर, एवरीवेयर, नाउ, एट, देन, टुडे, नेक्स्ट डे, ठीक है। उससे संबंधित उदाहरण दिए हुए हैं, सी विल गो देयर, ही विल कम हियर, आई मेट हिम यस्टरडे, यू विल कम टुमारो, सी इज़ टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक। इसमें क्या है, ये स्थानीय समय की सूचना देने वाले वाक्य हैं, और
वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद हम वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। और चौथा है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों का प्रयोग होता है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद वर्ब ऑफ टाइम लिखा जाता है। अगर किसी वाक्य में प्लेस और टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम दोनों लिखे हुए हैं, दोनों दिए हुए हैं, तो पहले हम एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे और उसके बाद टाइम लिखेंगे। जैसे ही केम हियर यस्टरडे, तो यहाँ पर हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और यस्टरडे क्या है, टाइम है। ठीक है, तो ये जो वाक्य दिए हुए हैं, यू विल गो देयर टुमारो, सी सर्च हिज पर्स एवरीवेयर इन द मॉर्निंग, तो इसमें पहले हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग किया है और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा हुआ है। यस्टरडे, टुमारो, इन द मॉर्निंग, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, पांचवा है एडवर्ब एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है, मतलब एनफ का प्रयोग हम उसके पहले करते हैं जिसको उसने जो उसने मॉडिफाई किया है। वाज द बॉक्स बिग एनफ, यहाँ पर एनफ का प्रयोग हमने जो है यहाँ पर बॉक्स जो है को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो हमने एनफ का प्रयोग उसके बाद किया है। यहाँ पर सी वाज प्लीज्ड एनफ, तो प्लीज को मॉडिफाई कर रहा है, तो हमने प्लीज के बाद एनफ का प्रयोग किया है, तो जिसको मॉडिफाई करेगा उसके बाद हम एनफ का प्रयोग करेंगे। हैव टू और यूज टू के प्रयोग में एडवर्ब का प्रयोग इनके पहले किया जाता है, जैसे आई ऑफन हैव टू, यहाँ पर ऑफन और ऑलवेज जो दो सेंटेंस में यूज हुआ है उसमें जो है हैव टू और यूज टू के प्रयोग में एडवर्ब का प्रयोग इनके पहले किया जाता है, तो हैव टू के पहले हमने ऑफन का प्रयोग किया और यूज टू के पहले हमने ऑलवेज का प्रयोग किया है। ठीक है, निम्नलिखित एडवर्ब साथ साथ एंड से जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अगेन एंड अगेन, बाय एंड बाय, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब है इनको एक जो है हम एंड से जोड़ करके इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है, पहला वी शुड रीड रामचरित मानस अगेन एंड अगेन। ठीक है, हम एक बार अगेन लगाएंगे तो इसका जो है हमारा अर्थ पूरा नहीं होगा, तो हम इस तरह के एडवर्ब को हम जो है जोड़ करके एंड के साथ जोड़कर पूरा करते हैं। जैसे वी शुड रीड रामचरित मानस अगेन एंड अगेन, हमें रामचरित मानस बार बार पढ़ना चाहिए। वी ही विल रिकवर हिज हेल्थ बाय एंड बाय, आई इन्फॉर्म हिम नाउ एंड देन, ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द गार्डन। ठीक है, अब जो है इस पर बेस्ड आपके जो अभी मैंने एडवर्ब पढ़ाया है उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है 10 और 11। 10 में आपको क्या करना है, इंसर्ट द गिवन एडवर्ब इन दियर सुटेबल प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब आपके ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, आपके सेंटेंस में उन एडवर्ब्स को यूज़ करना है। तो अब आप सेंटेंस में जैसे आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पर ऑलवेज कहाँ पर लगाएंगे, ऑलवेज हम वर्ब मुख्य क्रिया के पहले लगाएंगे, आई ऑलवेज गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो ऐसे ही जो है ये सेंटेंस दिए हुए हैं और इनके ब्रैकेट्स में एडवर्ब दिए हुए हैं, इनको आपको सेंटेंस में सी नेवर टेल से लाई, ऐसे करके हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद 11th एक्सरसाइज में आपको पॉइंट आउट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जो एडवर्ब हैं वो पॉइंट आउट करने हैं। ठीक है, केवल आपको अंडरलाइन करना है एडवर्ब कौन कौन से हैं। तो इसमें आज के लिए इतना ही, आपको इन जो है एक्सरसाइजेस को अपनी जो ग्रामर की आपने नोटबुक बना रखी है, अगर इसके पहले के एक्सरसाइज उसमें सॉल्व करी हैं तो उसके आगे करना, अगर नहीं करी है तो सारी एक्सरसाइजेस प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।